सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज पलामू व बेल आइकॉन दबाकर पाएं परमंडल की ताजा खबरें सबसे पहले सबसे आगे। सागर जिले के खुरई स्थित द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुमन श्रीवास्तव की न्यायालय ने भरत पिता जुझार सिंह लोधी को देवेंद्र लोधी की हत्या के प्रयास व प्राणघातक हमला करने पर धारा 307 के तहत 5 साल सश्रम कारावास की सजा से दंडित किया है। मामला बांद्री थाना फरियादी अनिल उर्फ अन्नू लोधी दरियाव सिंह लोधी उम्र 22 वर्ष निवासी हरदुआ 17 अगस्त 2018 को शाम के लगभग 5 बजे लोडिंग करने के लिए पुलिस के पास तालाब पर गया था। वहां पर भरत लोधी उसके भाई देवेंद्र का हाथ पकड़ के तथा दूसरे हाथ में कुल्हाड़ी लिए कह रहा था कि जान से मार देंगे, जो उसके भाई देवेंद्र को कुल्हाड़ी के बैट से सिर पर बार बार वार कर दिया जिससे वो घायल हो गया। उसके बाद आरोपी भरत ने फिर देवेंद्र को कुल्हाड़ी सर पर पड़ने से सर से बहुत खून निकलने पर वह लथपथ हो गया और गिर पड़ा। जान से मारने के नियत से प्राणघातक हमला किया था। वहीं घायल को प्राथमिक उपचार हेतु अस्पताल ले जाया गया था। वहीं शासन की ओर से पैरवी देवेंद्र विश्वकर्मा ने की। श्रीवास्तव द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश महोदय खुरई के न्यायालय में आरोपी भरत लोधी पिता जुझार सिंह लोधी उम्र 25 वर्ष निवासी ग्राम हरुआ का आरोपी है और जिसने एक प्राणघातक हमला किया जान से मारने की नियत से अनिल उर्फ अन्नू लोधी पिता दरियाव सिंह लोधी उम्र 22 वर्ष निवासी ग्राम हरुआ, ये दोनों एक ही गांव के निवासी हैं। किसी बात पर से इनका विवाद हो गया जिससे इनने जान से मारने की नियत से इस आरोपी भरत लोधी ने एक कुल्हाड़ी से हमला किया जो उसके सिर में काफ़ी चोटें आईं और जिसके आरोप में माननीय न्यायालय ने धारा 307 के तहत 5 वर्ष की सश्रम कारावास एवं सजा से दंडित